बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा, जो जन्नत 2, रंगरसिया, सर्बजीत और कई दूसरी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की शूटिंग पूरी कर ली है। रणदीप हुड्डा ने थर्सडे को अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की शूटिंग खत्म होने पर एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो में फिल्म के कई मोमेंट्स देखने को मिले। वीडियो के साथ रणदीप ने कैप्शन में लिखा, इट्स अ रैप फॉर वीर सावरकर, आई हैव बीन टू डेथ एंड बैक फॉर दिस फिल्म, बट दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर डे। फॉर नाउ बिग हार्ट फिल थैंक्स टू माई टीम, कास्ट एंड क्रू टू हैव रिलाइड डे एंड नाइट बिहाइंड मी थ्रू थिक एंड थिन एंड मेड इट हैपन। आखिर में रणदीप ने लिखा, फाइनली नाउ आई कैन ईट प्रॉपरली, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्क्रम्पशियस मील। By the way, there are a lot of misconceptions on what I ate and didn't eat during this stretched period of shoot, and I will clarify that very soon. Vande Mataram. Hashtag shoot rap. Hashtag gratitude. इससे पहले फिल्म के पहले लुक ने काफ़ी बस क्रिएट किया था, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बताया था कि नेताजी सावरकर से इंस्पायर नहीं थे क्योंकि वे अपोजिट आइडियोलॉजी के थे। पॉपुलर टेलीविजन जोड़ी दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने 21 जून को अपने पहले बेटे का स्वागत किया। शोएब ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे खुशखबरी शेयर की थी और कहा था कि यह समय से पहले डिलीवरी थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। एक्टर ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में अपने बेटे की हेल्थ के बारे में बताया। शोएब ने कहा, और है कि आप सबको पता है कि ऊपर वाले क्रम से कि मैं और दीपिका मॉम डैड वाले ने हमें एक लड़के से एक बेटे से ब्लेस्ड किया है, बट इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। आप सबको पता है कि अभी क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा प्रीमेच्योर है तो वो इनक्यूबेटर में है, तो बस मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आप सब मिलकर प्रे करें इंशाल्लाह कि वो जल्दी से ठीक हो, और जब वो ठीक होगा फिर हम सब मिलकर बात करेंगे। शोएब और दीपिका की मुलाकात पॉपुलर शो ससुराल सिमर का के सेट पर हुई थी। दोनों ने 2018 में शादी कर ली थी। 2010 में दीपिका ने नीर भरे तेरे नैना देवी से टेलीविजन पर डेब्यू किया था। इसके बाद वह ससुराल सिमर का से घर घर में मशहूर हो गई थीं। एक्ट्रेस ने बिग बॉस 12 के साथ कई रियलिटी शो में भी काम किया है, जहां वो विनर भी बनी हैं। शोएब और दीपिका पॉपुलर यूट्यूबर भी हैं। यूट्यूब पर फिलहाल शोएब के 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दीपिका के 3.68 फॉलोअर्स हैं। एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रूफी जावेद अपने अनोखे फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। उनके आउटफिट्स का क्रिएटिव डिजाइन हमेशा सबका ध्यान खींचता है, लेकिन उनका न्यू लुक उन सभी में से सबसे डेयरिंग था। कल रात रूफी को उनके दोस्त के बर्थडे बैश में देखा। वो रेड केप और हुडी के साथ स्किन कलर का बॉडीकॉन सूट पहने नजर आई, लेकिन जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वो ये थी कि रूफी जावेद ने अपने एसेट्स को शाइनी हाथ से ढक रखा था। उन्होंने ग्लॉसी लिप और स्मोकी आईज के साथ अपने लुक को कम्प्लीट किया। खैर, हम सभी को इस बात से एग्री कर लेना चाहिए कि बिग बॉस OTT स्टार एक और लीक से हटकर ड्रेस बनाने में अपनी क्रिएटिविटी को पूरा इस्तेमाल करती नजर आई हैं। हालांकि उनका ये लुक नेटिजंस को पसंद नहीं आया है और वो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रॉल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, शी इज शेमलेसली डांसिंग अराउंड लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ ऑल द मैन, वे इज द पुलिस, वाई इज शी नॉट बींग अरेस्टेड। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, प्लीज टेक एक्शन ऑफ हर। तो वहीं एक और यूजर लिखता है, बेशर्म रंग देख लिया दुनिया वालों ने। वर्कफ्रंट पे देखें तो उर्फी को आखिरी बार डेटिंग रियलिटी शो MTV स्प्रिट्सविला 14 में देखा गया था। बालिका वधू में आनंदी के किरदार से मशहूर हुई एक्ट्रेस अविका गौर ने हाल ही में बताया कि उन्हें किसी का भाई किसी की जान से रिप्लेस किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि अगर उन्हें किसी का भाई किसी की जान से रिप्लेस नहीं किया गया होता तो वे अभी 1920 हॉरर ऑफ द फिल्म का हिस्सा नहीं होती। लेकिन ऐसे 50 होंगे तो ये होता रहता है, इट्स नॉर्मल। इसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे, रिप्लेसमेंट हुई थी नहीं हुई थी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स हुई थी,
एंड आई एम ग्लैड हुई थी क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आज मैं 1920 शूट ही नहीं कर पाती क्योंकि सेम डेट्स थी. सो आई एम वेरी हैप्पी कि हुई थी. बिकॉज़ योर चॉइस ऑफ द मेकर्स चॉइस, नॉट माय चॉइस फॉर श्योर. द मेकर्स चॉइस, अगर आपकी चॉइस पे रहता तो व्हाट वुड यू? आई डोंट नो, मैंने तो हां किया था तो मैं शायद उसके लिए शूट कर रही होती. बट लाइक दिस से यूनिवर्स चूजेस द बेस्ट फॉर यू. जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड आई एम सो ग्लैड वो हुआ. इस फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट की बेटी कृष्णा भट्ट डायरेक्शन में डेब्यू कर रही हैं. अविका को ससुराल सिमर का, खतरों के खिलाड़ी 9, खतरा 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 के साथ कई फिल्मों के लिए जाना जाता है. 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म महेश भट्ट और आनंद पंडित द्वारा प्रेजेंट किया गया है. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अभी उनके स्टडी के हिसाब से, उनके रिसर्च के हिसाब से जो भी एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं, एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाने चाहिए. सो गुड फॉर देम. रिलीज के बाद से ही प्रभास और कृति सैनन स्टारर आदि पुरुष एक के बाद एक विवादों में फंसती जा रही है. जहां ये फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में धमाकेदार तरीके से रिलीज हुई, लेकिन इसके खराब VFX और डायलॉग्स की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी. आदि पुरुष विवाद पर अब एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल का रिएक्शन सामने आया है. दिव्या ने कहा, पुरुष की ऐसा लग रहा है कॉमेडी शो बनाया. देखो क्या है ना, कभी कभी कोई अगर प्रोडक्ट बनाता है तो ये तो सोच के नहीं बनाता है कि हाँ आज हम सबसे खराब प्रोडक्ट बनाएंगे साल का. तो आई थिंक दे हैव पुट देयर एफर्ट्स. अभी उनके स्टडी के हिसाब से, उनके रिसर्च के हिसाब से जो भी एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं, एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाने चाहिए. सो गुड फॉर देम. बट अगर सही में आप लोग को रामायण जाननी है तो आई वुड सजेस्ट आप लोग रामायण किताब उठा के पढ़ो और जो भी तुम्हारे इमोशंस हैं एज एन इंडियन, एज अ हिंदू, जो भी इमोशंस हैं आपको, आई नो बुरा लगा है, पर वी आर आई थिंक स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो इमोशंस कोई एक पिक्चर हिला नहीं सकती. छोटी सी पिक्चर आके तुम्हारे रामायण के इमोशंस नहीं हिला सकती है. तो बुक्स पढ़ो एंड जानो. अपने बच्चों को अगर सिखाना है तो बुक्स के थ्रू सिखाओ. मूवीज जिस दिन अच्छी आएगी उस दिन देखेंगे तो, है ना? नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद आदि पुरुष दुनिया भर में 410 करोड़ की कमाई करने में सफल रही है. आदि पुरुष हिंदी महाकाव्य रामायण बेस्ड एक माइथोलॉजिकल फिल्म है. आदि पुरुष फिल्म को ओम राउत ने डायरेक्ट किया है. टी सीरीज और रेट्रो फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.